हल्द्वानी में एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने धनलक्ष्मी इंटरप्राइजेज में की गई धोखाधड़ी के मामले का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। उनसे पहले एक आरोपी को पुलिस ने की है। दरअसल आरोपी फर्जी कंपनी बनाकर लोगों को ठगने का काम करते हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। यहाँ मुखानी क्षेत्र में एक धनलक्ष्मी एंटरप्राइजेस के नाम से कुछ लोगों द्वारा एक कंपनी खोली गई और उसमें ये जो पब्लिक के लोग थे उनसे पैसा निवेश करवा रहे थे और उन लोग पब्लिक के लोगों का जो है कि जो मोतियों की माला है उसके बिजनेस के नाम पे इन लोगों ने उनसे निवेश करवाया। इनको कहा कि आप लोगों को इसमें बहुत सारा लाभांश मिलेगा, लेकिन अचानक से इन लोगों ने एक दिन कंपनी बंद की और जो लोगों का पैसे का जो निवेश किया गया था वो भी, और उसके अलावा जो सामान वहाँ पर था ऑफिस खोलने के लिए जो बाकी लोगों ने इनको दिया था वो भी लेके फरार हो गए। इसमें FIR पंजीकृत हुई। हमारी टीम ने इन लोगों को, दो लोगों की गिरफ्तारियाँ की है और उन लोगों से हमने दो गाड़ियाँ, कुछ लैपटॉप और कुछ वहाँ का ऑफिस का सामान और बाकी चीज़ों की बरामदगी की है।